एकेडमी जम्मू द वे टू एक्सीलेंस। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विम्स एकेडमी जम्मू। माय सेल्फ सजीव गुप्ता एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय लेक्चर नंबर 2 ऑन क्लास 12 टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो रिलेशंस क्या होता था, रिलेशन क्या होता था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। रिलेशन इज बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर का सबसेट। सपोज हमारे पास एक सेट है, अगर इस सेट को मैं इसी सेट के साथ अगर इसका मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लूँ तो मेरा जो ऑर्डर्ड पेयर होगा उसको मैं क्या बोलूँगा, रिलेशन। सो रिलेशन इज बेसिकली सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये हमने पढ़ा हुआ है लास्ट लेक्चर में। जिन स्टूडेंट्स ने, जिन बच्चों ने ये चीज़ नहीं देखी है वो जो है इस लेक्चर को जो है देख सकते हैं। हम उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आज जो हमने काम करना है बेसिकली, जैसे कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, जेई की बात करूँ, एनडीए में भी इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। क्या क्वेश्चन थे? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि अगर सेट की कार्डिनैलिटी ये है, कार्डिनैलिटी मीन सपोज अगर एक सेट है इसकी कार्डिनैलिटी कुछ एन है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस जो हमने पढ़े थे, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट ए इज, काफी बच्चों को इस चीज का कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर सेट ए की कार्डिनैलिटी एन है तो ये आएगा 2n into n, जैसे हमने पढ़ा था ट्वाइस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनैलिटी ऑफ बी, तो ट्वाइस n का स्क्वायर, ठीक है। तो ये था नंबर ऑफ रिलेशन सेट ए से सेट ए तक, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो रिलेशंस की क्या टाइप्स होती हैं, क्या क्लासिफिकेशन है। अगर हम 12th की बात करें तो क्लास 12th में हमने ये पढ़ा है, क्या सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन के बाद नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देन आ गया आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्री का उल्टा एंटी सिमेट्रिक। इसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन एंड लास्ट इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ठीक है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है रिलेशंस की, तो जिनको हमने स्टडी करना है यहाँ पे। फिर हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकते हैं, कितने सिमेट्रिक बन सकते हैं, कितने एंटी सिमेट्रिक बन सकते हैं, या कितने जो है अलग अलग टाइप के रिलेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आइडेंटिटी रिलेशन की। मान लेते हैं मेरे पास एक सेट है ए, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। जितना भी हमारा काम होता है वो नॉन एम्प्टी सेट होता है। अगर सेट एम्प्टी है उसके अंदर एलिमेंट कोई नहीं होगा तो हाउ यू कैन से दैट दिस इज आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और व्हाटएवर। सो सपोज लेट ए बी एन एलिमेंट एंड सपोज एलिमेंट ए ए के अंदर है, देन रिलेशन आर इज सेट टू बी एन आइडेंटिटी रिलेशन इफ अगर आर में क्या हो जाए, ऑर्डर्ड पेयर आ जाए क्या, ए ए, जो ए एलिमेंट होगा ए का। तो इस रिलेशन को बोला जाता है आइडेंटिटी रिलेशन। इसी के ऊपर एमसीक्यू एक सपोज हम बना लेते हैं क्वेश्चन। इफ सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 देन विच ऑफ द फॉलोइंग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। तो मुझे बताओ इसमें से कौन सा आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा। नंबर 1 1 1 1 2 1 3, सेकंड 1 1 2 2 3 1, 1 1 2 2, ऑप्शन 4 नन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी रिलेशन, आपको यहाँ पे क्या देखना था सॉल्यूशन में।
आइडेंटिटी रिलेशन होने का मतलब आपका जो सेट का एलिमेंट है उसके लिए ए ए का ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर मैं वन की बात करूं, वन ए का सेट एलिमेंट है, वन वन है, वन टू वन थ्री आइडेंटिटी नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन डिस्कार्ड कर दो। सेकेंड ऑप्शन में क्या है, वन वन टू टू सही है, वन भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट थ्री वन नहीं हो सकता, डिस्कार्ड। क्या वन वन है? यस। टू टू है? यस। सो द करेक्ट आंसर इज थ्री। किसी को यहाँ तक कोई डाउट आइडेंटिटी रिलेशन? आइडेंटिटी से ही रिफ्लेक्सिव बेसिकली एक्सटेंशन करेंगे हम लोग। तो डेफिनेशन देखना, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड ए बिलोंग्स टू ए, देन रिलेशन आर इज सेट टू बी, देन रिलेशन आर इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए आर इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर ए ए कामा सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए। बेसिकली हुआ क्या, रिफ्लेक्सिव में वो कहता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए के अंदर, जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबके ऑर्डर्ड पेयर का प्रेजेंट होना जरूरी है। आइडेंटिटी में ऐसा कोई कंडीशन नहीं था, सिर्फ ये कंडीशन अगर जोड़ दी जाए तो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो ये जरूरी नहीं होता। देखते हैं क्यों जरूरी नहीं है, क्वेश्चन देखना इसके ऊपर। इफ सेट ए इज वन टू थ्री देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो हमें बताना है इसमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ऑप्शन देखना, वन वन टू टू सेकेंड, वन वन टू टू वन टू, वन वन टू टू थ्री थ्री फोर, नन। सो कौन सा करेक्ट हुआ? देखिए आइडेंटिटी की बात होती फर्स्ट वाला करेक्ट होता, बट रिफ्लेक्सिव में क्या है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे हमारे पास थ्री है जिसके लिए थ्री थ्री यहाँ प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ऑप्शन वन डिस्कार्ड। ऑप्शन टू में वन टू हो नहीं सकता, डिस्कार्डेड। वन वन टू टू थ्री थ्री सेट ए की तीनों एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर, आइडेंटिकल ऑर्डर पेयर जो है प्रेजेंट है, दैट्स वाई इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इसी के ऊपर एक लिख लीजिए आप लोग रिजल्ट या फॉर्मूला कह सकती हो लर्न करने वाले के लिए। तो तुम्हें हमेशा याद रखना है, अगर सी टी एम इफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इक्वल टू एन देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट ए इज, फॉर्मूला है ट्वाइस एन का स्क्वायर माइनस एन। ये कैसे आता है, तो इसकी जो है हायर क्लासेस में जब आप लोग जाओगे तो आप लोग इसकी जो है डेरिवेशंस भी पढ़ोगे। अभी हमें यहाँ पे क्या सीखना है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे बनाए जाते हैं। तो आप लोगों को बस ये याद रखना है कि जो भी आपकी सेट की कार्डिनलिटी होगी उसका स्क्वायर माइनस वो नंबर आप करोगे टू की पावर में, तो आपको नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन मिल जाएंगे। देखिए क्वेश्चन इसके ऊपर, इफ सेट ए इक्वल्स टू वन टू थ्री फोर देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए इज, क्या बनेंगे ऑप्शंस लिख लीजिए, टू की पावर 16, टू की पावर 12, टू की पावर 16, टू की पावर 12, टू की पावर 8 और नन। क्या मैंने बताया आपको सेट की कार्डिनलिटी, क्या है कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज 4, फॉर्मूला क्या है ट्वाइस एन का स्क्वायर माइनस एन, क्या बनेगा ट्वाइस 4 का स्क्वायर माइनस 4, तो 4 का स्क्वायर बेटा 16, 16 में से 4 का तो 2 की पावर 12, सो योर करेक्ट ऑप्शन इज योर बी। यहां तक किसी को कोई डाउट? आइडेंटिटी रिलेशन क्लियर हुआ। आइडेंटिटी में क्या था, अगर हम सेट ए का एलिमेंट ए लेते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर ए ए का प्रेजेंट होना जरूरी है। इसी तरह से
रिफ्लेक्सिव में क्या है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उनके ऑर्डर्ड पेयर का प्रेजेंट होना भी जरूरी है फॉर सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्सिविटी। यहां तक किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट लिखिए सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। A relation R from set A to set A is said to be a symmetric relation if for AB belongs to set R then BA जो है R के अंदर होना चाहिए। यानी कि रिफ्लेक्सिव होने का मतलब है अगर हमारे सेट ए के अंदर एक एलिमेंट 1, 2 प्रेजेंट है, सपोज मेरा एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, अगर मेरे पास रिलेशन आर में 1, 2 प्रेजेंट है तो 1, 2 का अपोजिट 2, 1 भी अगर आर में हुआ तो मैं बोलूंगा आर मेरा क्या है सिमेट्रिक। आर मेरा क्या हो जाएगा सिमेट्रिक। सपोज मैं आपको एक रिलेशन देता हूँ, सेट मैंने दे दिया तुम्हें ए बी सी, रिलेशन है ए ए ए बी बी ए सी ए, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ए ए प्रेजेंट होना चाहिए है, बी बी प्रेजेंट होना चाहिए नहीं है, सी सी प्रेजेंट होना चाहिए नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या ये सिमेट्रिक है? देखना ए ए का उल्टा ए ए होगा प्रेजेंट है, ए बी का उल्टा बी ए प्रेजेंट है, सी ए का उल्टा एसी होना चाहिए नहीं है। अगर मैं इस सेट में एसी ऐड कर दूं तो ये मेरा सेट क्या बन जाएगा रिफ्लेक्सिव, सॉरी ये मेरा सेट बनेगा सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब मैं इसमें बीबी और सीसी ऐड कर दूंगा, क्योंकि सेट ए बी ए बी सी तीनों सेट के एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है, बिल्कुल ए बी का उल्टा बी ए प्रेजेंट है, सी ए का उल्टा ए सी प्रेजेंट है, तब मैं इस रिलेशन को बोलूंगा सिमेट्रिक रिलेशन। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब सिमेट्रिक पे सिंपल ऑब्जेक्टिव आप ढूंढ सकते हो कि अगर आपको एक रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर उसका उल्टा दिया है तो आप बता सकते हो कौन से इसमें से सिमेट्रिक है। ठीक है, सो लिखिए इसके ऊपर सेम सीटीएम करके कमिट टू मेमोरी। इफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इक्वल टू एन देन नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट ए इज क्या बनेगा ट्वाइस एन का स्क्वायर प्लस एन बाय टू। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस क्रिएट करने का। क्वेश्चन देखना, इफ सेट पी इक्वल टू ए बी सी डी देन नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस फ्रॉम सेट पी टू सेट पी इज ऑप्शन ए। लिखिए ऑप्शन ए इज योर 2 की पावर 16, 2 की पावर 10, 2 की पावर 8 एंड डी इज योर नन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? सबसे पहले बच्चे प्रूफ में देखिए, सेट पी में 4 एलिमेंट, कार्डिनलिटी ऑफ सेट पी 4, एंड क्या थी कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस क्या आ जाएंगे ट्वाइस एन का स्क्वायर, एन इज 4 का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय 2, तो 2 16 प्लस 4 बाय 2, तो ये आपका आ जाएगा 2 की पावर 20 बाय 2, दैट इज 2 की पावर 10। सो करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन नंबर सी। यहां तक किसी को कोई डाउट? हमने क्या पढ़ा, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है। नेक्स्ट आएगा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन।
डेफिनेशन लिखिए एंटी सिमेट्री की, अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, याद रखिए सेट ए आपका नॉन एम्प्टी है, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए इज सेट टू बी एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इफ, सिमेट्री में क्या था, सिमेट्रिक में था अगर ए बी सेट आर के अंदर है और बी ए आपका सेट ए आर के अंदर होना चाहिए। अब ये क्या कहता है, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए इज सेट टू बी एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इफ, अगर ए बी आर में हो और बी ए भी आर में हो देन ए इक्वल टू बी होना चाहिए। यानी कि एंटी सिमेट्रिक होने का मतलब है कि अगर ए बी सेट के अंदर है और बी ए सेट आर के रिलेशन के अंदर है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेशन के अंदर और बी ए रिलेशन आर के अंदर होना चाहिए, तब उसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा क्या कि फर्स्ट का ऑर्डर्ड पेयर जो है वो सेकंड के ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल होना चाहिए, यानी कि ए जो है वो बी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको बोला जाता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। देखना इसमें क्वेश्चन, इफ सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 देन विच आर द फॉलोइंग, देन विच आर द फॉलोइंग इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, विच आर द फॉलोइंग इज एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो क्या आएगा, अगर सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 तो बताओ इसमें से कौन सा जो है आपका एंटी सिमेट्रिक है, 1 1 2 2 इज स्लैश आर कर लेना, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिया मैंने, इस पे एक से ज्यादा ऑप्शन भी बन सकते हैं, 1 1 2 2 3 3 क्या ये रिफ्लेक्सिव है सेकंड वाला, थर्ड लिखिए 2 3 3 2 और लास्ट लिखिए नन। तो बताइए ऑर्डर्ड पेयर में क्या होना चाहिए अगर ए बी प्रेजेंट है बी ए प्रेजेंट है, 1 1 का उल्टा क्या होगा, 1 1 प्रेजेंट है, 2 2 का उल्टा 2 2 है, तो ये एंटी सिमेट्रिक है। सेम रीजन के साथ ये भी हो जाएगा, अगर 2 3 के बराबर है और 3 2 के 2 3 है और 3 2 भी प्रेजेंट है, तो क्या हमारा 2 जो है वो 3 के बराबर है, क्या हमारा 2 3 के बराबर है, आंसर इज नो, तो ये आपका गलत हो जाएगा, नन हो नहीं सकता, तो इस पे एक से ज्यादा भी ऑप्शंस आपके हो सकते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट, अब सेम इसका भी एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस कितने होते हैं, सो लिखिए इफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इक्वल्स टू एन देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट ए इज क्या आएगा, तो इसका फॉर्मूला बनेगा 2 की पावर n 3 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाय 2, 2 की पावर n 3 n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के लिए तुम्हें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो फॉर्मूलाज में क्या लर्न करना है तुम्हें, सबसे पहले 2 की पावर सीधा n स्क्वायर माइनस n करोगे रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, फिर 2 की पावर n स्क्वायर प्लस एन बाई टू और 2 की पावर n इंटू एन प्लस 1 बाई टू करोगे तो सिमेट्रिक निकल जाएंगे। एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या है, 2 की पावर n 3 की पावर n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2, तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो इस पे अगर आपका एमसीक्यू बनाना हो क्या आएगा, सेट ए की कार्डिनलिटी ले लो, इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, तो तुम्हारा इससे जो है क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या मैं एंटी सिमेट्रिक का क्वेश्चन स्किप कर दूं यहां पे, क्या आप लोग कर सकते हो ये, तो अभी तक जो हमने क्लियर की डेफिनेशन क्या किया, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, बट यहाँ पे मैंने एक चीज मेरी स्किप होगी वो है ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना इक्विवेलेंस और पार्शियल ऑर्डर हो नहीं सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए
ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए इज सेट टू बी अ इज सेट टू बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन. रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए इज सेट टू बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन इफ अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर में हो, बी सी आर में हो, देन इसका फर्स्ट इसका लास्ट ए सी बी आर में होना चाहिए. यानी कि एक रिलेशन आर को ट्रांजिटिव होने के लिए दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर चाहिए. इस तरह से अगर ये 1 2 है और दूसरा 2 3 है, किसके अंदर प्रेजेंट है ये दोनों रिलेशन आर के अंदर, देन अगर 1 3 भी आर के अंदर हुआ तब हम बोलेंगे हमारा जो गिवन रिलेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव. ए रिलेशन इज सेट टू बी, ये जस्ट फॉर्मेलिटी है जो अभी तक डेफिनेशन की उन्हीं को कंबाइन करके ये दोनों बनेंगी. रिलेशन आर इज सेट टू बी एंड इक्विवेलेंस रिलेशन. रिलेशन आर इज सेट टू बी एंड इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज नंबर 1 क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सेकेंड सिमेट्रिक, थर्ड ट्रांजिटिव. यानी कि कोई भी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन. देखना सपोज हमारे पास सेट ए है ए बी सी और रिलेशन मैं दे देता हूँ ए ए बी बी सी सी. ऑर्डर्ड पेयर तीनों प्रेजेंट है, रिफ्लेक्सिव हो गया. ए का उल्टा ए प्रेजेंट है, बी बी का उल्टा बी बी प्रेजेंट है, सी सी का उल्टा सी सी प्रेजेंट है. तो ये क्या हो गया आपका सिमेट्रिक. ट्रांजिटिविटी के लिए ए ए का उल्टा ए बी होना चाहिए बट यहाँ पे नहीं है तो ये ट्रांजिटिव भी है, अभी हमने पीछे देखा. सो दिस इज एन सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. यहां तक कोई डाउट? ठीक है, एक एमसीक्यू इक्विवेलेंस रिलेशन पे भी बना देते हैं. बेसिकली नंबर ऑफ रिलेशंस है, इसको निकालने के लिए पार्टीशन का और डिकम्पोजिशन का कंसेप्ट होना जरूरी है. पार्टीशन और डिकम्पोजिशन बेसिकली जो है आपके सिलेबस में नहीं है, तो दैट्स व्हाई इक्विवेलेंस के आप नंबर ऑफ रिलेशंस नहीं निकाल पाओगे. तो आपके ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आएगा, उसके ज्यादा नहीं आ सकता. ठीक है, तो अब नेक्स्ट लिखिए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है. अ रिलेशन आर ऑन सेट पी, मान लेते सेट पी है, इज सेट टू बी अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. रिलेशन आर ऑन सेट पी इज सेट टू बी अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इफ आर इज नंबर 1 रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, पहली कंडीशन दोनों में सेम, सिमेट्रिक की जगह वर्ड आएगा एंटी सिमेट्रिक. यानी कि अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो हम उस रिलेशन को बोलेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन.